आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव यानी आरजेडी के विधायक तेज प्रताप यादव के ऊपर दो दिन पहले ही आरोप लगा कि उन्होंने एक पार्टी पदाधिकारी की पिटाई की। ना केवल पिटाई की, उसे नंगा किया, उसका वीडियो भी बनाया। और यह आरोप खुद जो महानगर के युवा के अध्यक्ष रहे रामराज यादव, उन्होंने आकर के सामने लगाया और कहा कि वो पार्टी के तमाम पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को दो दिन निकल चुके हैं, लेकिन अब तक तेज प्रताप यादव से किसी ने भी यह पूछने का साहस नहीं जुटाया कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जो हैं वो हाथ खड़े कर चुके हैं। जगदानंद सिंह ने कल कहा था कि वो तेज प्रताप यादव के ऊपर एक्शन लेने में समर्थ नहीं है। तेज प्रताप यादव पार्टी के कोई सदस्य नहीं है, वो पार्टी के विधायक हैं और इस नाते उनके पास, मतलब प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, जगदानंद सिंह के पास ये अधिकार नहीं है कि वो तेज प्रताप के ऊपर कोई एक्शन ले। इतना ही नहीं, जगदा बाबू ने यह भी कहा कि मैं तेज प्रताप के ऊपर बहुत पहले एक्शन ले लेता अगर ये मेरे अधिकार क्षेत्र में होता। मतलब ये कि बेबस हैं जगदानंद सिंह तेज प्रताप यादव के सामने, इसलिए नहीं कि केवल वो विधायक हैं, इसलिए भी कि वो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। लेकिन तेज प्रताप यादव को लेकर के केवल जगदा बाबू ही अपनी व्यवस्था नहीं दिखा रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष और उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव ने भी इस मसले पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। तेजस्वी यादव कल भी महागठबंधन के नेताओं के साथ आरजेडी कार्यालय में बैठक करते रहे थे। तेजस्वी यादव उस दिन भी मौजूद थे जिस दिन युवा नेता ने आकर आरोप लगाया था कि तेज प्रताप ने उनकी पिटाई की थी। उस दिन भी तेजस्वी यादव आरजेडी कार्यालय में बैठक कर रहे थे, लेकिन वो कुछ कह नहीं रहे हैं, वो चुप्पी साधे हुए हैं। तेज प्रताप ये दांव खेल चुके हैं कि वो इस्तीफा देने वाले हैं पार्टी से, वो आरजेडी सुप्रीमो यानी अपने पिता से मिलेंगे। लेकिन इस सबके बीच जो सबसे अहम खबर आपको बताने जा रहे हैं, सबसे खास खबर, वो ये है कि अगर अगले एक से दो दिनों में तेज प्रताप यादव के ऊपर पार्टी सोकॉज नहीं करती है, पार्टी उनसे नहीं पूछती है, या लालू यादव या तेजस्वी यादव इस मामले का संज्ञान नहीं लेते हैं, तो जिस युवा नेता की पिटाई हुई वो क्या करने वाला है। हमारी बातचीत हुई थी रामराज यादव से, उन्होंने कहा कि वो इंतजार कर रहे हैं कि तेज प्रताप यादव के ऊपर क्या एक्शन होता है या तेज प्रताप यादव इस मसले पर क्या कुछ आगे करते हैं। अगर उनको न्याय नहीं मिलेगा तो जिस तरह उनको बेइज्जत किया गया, जिस तरह उनकी पिटाई की गई, जिस तरह उनको नंगा करके वीडियो बनाया गया, इस मामले में वो आखिरकार न्याय के लिए प्रशासन के पास जाएंगे, पुलिस के पास जाएंगे और जो सिस्टम है उसके जरिए वो तेज प्रताप के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराएंगे। तो बड़ी खबर यह है कि तेज प्रताप यादव के ऊपर एफआईआर दर्ज हो सकती है। रामराज यादव ये कह रहे हैं, उनसे जो हमारी बातचीत हुई है फोन पर, उसके मुताबिक वो एफआईआर आगे दर्ज कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि अगले एक दो दिन वो इंतजार करेंगे कि इस मामले में क्या होने वाला है। इस बार तेज प्रताप यादव इस मामले पर पूरी तरह से घिरे हुए हैं और तेज प्रताप को भी शायद इस बात का अंदाजा है कि उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उन आरोपों के बाद वो किस तरह से उनकी राजनीति पर सवाल खड़े हो सकते हैं, उनको कितना बड़ा उनके लिए सेटबैक हो सकता है आरजेडी में राजनीति करने को लेकर के, तो इसको लेकर के वो बैकफुट पर भी फिलहाल नजर आ रहे हैं। लेकिन हाँ, एक बात और कि तेज प्रताप ने जो एक दांव खेला था कि वो इस्तीफा दे देंगे आरजेडी से, इस मामले में भी अब तक ना तो लालू यादव ने और ना ही राबड़ी देवी ने तेज प्रताप को कोई मनाने का प्रयास नहीं किया है। ये हमारी जानकारी है, जो हमारे सोर्सेज हैं राष्ट्रीय जनता दल के अंदर वो हमको ये बता रहे हैं। तो फिलहाल जो लालू यादव हैं वो भी तेज प्रताप के इस कारनामे को लेकर के इस बार थोड़ा सख्त रवैया अपनाए हुए हैं, क्योंकि शायद तेजस्वी यादव ने भी ये मैसेज दिया होगा कि इससे गलत मैसेज जा रहा है। क्योंकि ठीक है, तेजस्वी यादव MY की बात नहीं करते, वो कहते हैं कि A to Z की पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल अब, लेकिन MY भी एक बड़ा फैक्टर है और उसी वाई फैक्टर से निकल करके वो आरजेडी का युवा नेता आता है जिसकी पिटाई का आरोप तेज प्रताप यादव के ऊपर लगा है। तेज प्रताप इस मामले में आगे क्या करेंगे इस पर तुम्हारी नजर रहेगी ही, लेकिन इस मामले में आगे क्या तेज प्रताप के ऊपर FIR दर्ज होती है और इसमें कितना वक्त लगता है या उसके पहले आरजेडी नेतृत्व उनसे कोई स्पष्टीकरण मांगता है, ये सब अपडेट भी हम आपको ला करके सबसे पहले देंगे। बने रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए।
हम लोगों का अपना शहर तो है लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में, लेकिन हाँ अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रिडिफाइंड।